हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, थंबनेल देख कर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते, जल्दी जल्दी शुरू करते इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आप जानते हैं कि गाड़ी की जो फ्रंट एयरबैग है वो कब कब डिप्लॉय नहीं होता है ड्यूरिंग ए कलिशन और ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, है ना। तो जो मेन फर्स्ट रीज़न है उसका वो है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो। देखिए, हम में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते कि किसी किसी कार में जो एयरबैग है वो ओनली सीट बेल्ट के साथ ही मिलके काम करते हैं और उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, एयरबैग एक्टिवेट ही नहीं होगा अगर आपने सीट बेल्ट को नहीं पहनाया तो, है ना। तो दोस्तों, जो एयरबैग्स है वो डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि वो सीट बेल्ट के साथ मिलके काम करते हैं और बहुत सारे फेटल इंजरीज जो बोलते हैं उसको अवॉइड करते हैं या फिर सेव करते या डेथ्स को भी कुछ भी बचा देते हैं ना। तो सीट बेल्ट एंड एयरबैग जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन का डिफेंस है वो भी है जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको किसी भी एक्सीडेंट से, वो एयरबैग्स और सीट बेल्ट मिल के काम करते हैं ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट ज़रूर आप पहने रहिए ना। तो जो दूसरा रीज़न है दोस्तों वो है जब माइनर फ्रंटल कोलिशन होता है ना, जब सामने से गाड़ी का हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे भी एयरबैग्स नहीं खुलते, क्योंकि जो हल्का फुल्का एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें आपकी जो सीट बेल्ट है वही आपको सेव कर लेती है ना। जो एयरबैग्स है बहुत ही फेटल एक्सीडेंट्स के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होगा फ्रंटल तब भी वो एयरबैग्स काम करेंगे, डिप्ले होंगे और आपको सेव करेगा। जो माइनर एक्सीडेंट्स वगैरह होता है उसमें दोस्तों जो अपना सीट बेल्ट है वही आप हमको सेव कर लेते हैं। जो तीसरा रीज़न है वो है साइड कोलिशन। जब भी दोस्तों हमारी गाड़ी साइड से किसी गाड़ी से टकराता है या एक्सीडेंट होता है तब भी हमारे जो एयरबैग्स है फ्रंट के वो खुलते नहीं है, क्योंकि जब साइड से एक्सीडेंट होते हैं तो आपका जो बॉडी है तो वो साइड वाइज मूव करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो फ्रंट एयरबैग है वो उतना ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए साइड कोलिशन में भी हमारे फ्रंट के जो एयरबैग्स है वो नहीं खुलते हैं। जो चौथा रीज़न है दोस्तों वो है रियर कोलिशन। तो जैसे जब रियर कोलिशन होता है, रियर से जब कोई धक्का देता है या एक्सीडेंट होता है तभी आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाता है, तो उससे भी क्या है ऐसे सिचुएशन में भी अगर फ्रंट एयरबैग डिप्लॉय होता भी है तो भी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी पीछे की तरफ ही मूव कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन में भी जो फ्रंट की एयरबैग है वो ओपन नहीं होते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जो पांचवा है वो है रोल ओवर कोलिशन, है ना। जब आपकी गाड़ी पलटती है ना, दो चार बार पांच बार पलटती है, और उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी की काम करते हैं वो है आपका सीट बेल्ट। अगर आप गाड़ी में हैं और आप सीट बेल्ट ओढ़ नहीं कर आपकी गाड़ी पलट जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो गाड़ी में फ्लोट होता रहता है और वो बहुत ही सीरियस इंजरीज या डेथ की भी बराबर हो सकते हैं ना। तो उस टाइम पे जो एयरबैग्स है वो उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया जाता और जो फ्रंट्स के एयरबैग्स है वो उस सिचुएशन के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया जाता है। फ्रंट्स के जो एयरबैग्स है वो ओनली फ्रंट कोलिशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और वो ये है कि जब रोल ओवर होता है, कोलिशन होता है, तो फ्रंट की जो एयरबैग्स है वो डिप्लॉय नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर होप आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।